अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। देश में महंगाई पहले से ही कई सालों के उच्च स्तर पर है। जीएसटी काउंसिल की हालिया बैठक में लिए गए कुछ फैसले महंगाई की मार और तेज कर सकते हैं। दरअसल जीएसटी काउंसिल ने दही, लस्सी और छाछ समेत खाने पीने की कुछ चीजों पर जीएसटी से मिल रही छूट समाप्त करने की सिफारिश की है। अगर इस पर अमल हुआ तो पैकेट वाले ब्रांडेड मिल्क प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। इससे एक ओर तो लोगों की जेब अधिक कटेगी, लेकिन ये फैसला कुछ कंपनियों के शेयरों से कमाई करने का मौका भी दिला सकता है। कम से कम ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज का तो ऐसा ही मानना है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में पिछले सप्ताह जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक हुई। वही बैठक में जीएसटी काउंसिल ने कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों पर माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी लगाने का फैसला किया है, जिन्हें अपनी अभी तक जीएसटी से छूट मिली हुई थी। वहीं इन उत्पादों में प्री पैकेड और प्री लेबल्ड दही, लस्सी और छाछ भी शामिल है। काउंसिल के इस फैसले का असर अतिरिक्त लागत के रूप में डेयरी कंपनियों पर पड़ेगा और डेयरी कंपनियां इसकी वसूली ग्राहकों से कर सकती हैं। बैठक में काउंसिल ने कहा, अभी तक खाने पीने की कुछ वैसी खास चीज़ें, अनाजों आदि को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था जो ब्रांडेड नहीं थे। अब ये सुझाव दिया जाता है कि पैकेट वाली दही, लस्सी जीएसटी यानी कि पैकेट वाली दही, लस्सी, बटर मिल्क आदि समेत लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत प्री पैकेट व प्री लेबल्ड कैटेगरी में आने वाली खाने पीने की चीज़ों पर दी जा रही छूट समाप्त की जाए। वहीं बता दें कि ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज ने एक रिसर्च नोट में कहा कि दही और लस्सी पर 5% दर से जीएसटी लगाई जा सकती है। फिलहाल इन खाद्य पदार्थों पर कोई जीएसटी नहीं है। कंपनी ने कहा, हमारा मानना है कि दूध खरीदने की लागत बढ़ने के साथ साथ 5% का नया टैक्स लगने से डेयरी कंपनियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस बोझ को कम करने के लिए कंपनियां दाम बढ़ा सकती हैं। ऐसे में ग्राहकों को पहले से ही तुलना में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। ब्रोकरेज फर्म ने यह भी कहा कि 5% की दर से लगने जा रहे नए टैक्स का कुछ हिस्सा कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रिकवर कर लेंगी। हालांकि इसके बाद भी ग्राहकों पर 2-3% का बोझ पड़ने की आशंका है। वह बता दें कि रिसर्च एनालिस्टों का कहना है कि ज़्यादातर डेयरी कंपनियां के लिए दही एक अहम उत्पाद है। डेयरी कंपनियों की आय में दही और लस्सी का हिस्सा 15-25% है। वहीं आइसक्रीम, चीज़, घी और पनीर जैसे कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स पहले से ही जीएसटी के दायरे में आ चुके। वहीं ICICI सिक्योरिटीज के एनालिस्टों का मानना है कि अब दही और लस्सी पर जीएसटी लगने से अधिकांश डेयरी प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे। हालांकि पैकेट वाले दूध को अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं ब्रोकरेज फर्म ने साथ में जोड़ा कि इस फैसले से डेयरी कंपनियों के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। इस फैसले से जो भी असर होगा वह बता दें कि एंड यूजर यानी खरीदारों पर होगा। फर्म ने कहा कि ठोस रिटर्न रेशियो और ग्रोथ की संभावनाओं के चलते रियल एस्टेट डेयरी कंपनियों को फायदा ही होने वाला है। वहीं कि इस कारण का हवाला देकर ICICI सिक्योरिटीज ने हेरिटेज और डोडला के लिए बाय रेटिंग को बरकरार रखा है। वहीं ब्रोकरेज फर्म ने हैटसन एग्रो प्रोडक्ट्स और बता दें कि पराग मिल्क फूड्स को होल्ड रेटिंग दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।